आसमान और बाला की जो शादी है हो चुकी है एंड बहुत ज़बरदस्त सीन था वो। अच्छा था। एंड अभी नेक्स्ट सीन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आलिशार बे और बल गए, देर आर सो मेनी पीपल आर देयर जिनको हमें देखना है मरते हुए, है ना। तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट दिस लेट्स वीडियो। से छुटकारा हासिल करने पहले हम लोग वक्त आएगा कि अल्लाह खुशियां देखना नसीब करेगा। तो बुके ने क्या किया? उसने अपना काम पूरा कर दिया है। क्या कहा उसने? आलिशार जैसे हम चाहते थे हमारे जाल में फंस जाएगा। दुंदार साहब और बहादुर भी यकीनन उनके साथ आएंगे, मगर मुझे उनकी तादाद के बारे में सही से मालूम नहीं है। ऐसे लोग जो हक के रास्ते पर चलते हैं तादाद की परवाह कभी नहीं किया करते। एक दिन हम अबाबीलों की तरह मुंह में कंकरियां लेकर बड़े हाथियों को ललकारते हैं, और एक दिन दाऊद की तरह जान लेते हैं जालूत की। बल गए आ गया, आज ये जमीन खून से और अरली खान मुर्दा रूहों से भर जाएंगे। उस्मान साहब, अहले खान कौन है? बालगाय, वैसे कितना तुम्हें एतबार है बुके पे? जितना एक कुत्ता मालिक का वफादार होता है उतना ही वो मेरा वफादार है उस्मान साहब। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आप सब मेरी बात गौर से सुनिए। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं दुंदार साहब। मेरा बहादुर अच्छी खबर लेकर आ रहा है। मेरा बहादुर, तुम्हारा बहादुर। अरे हाँ, बहादुर ने देखा था, याद है बुके को? हाँ, बहादुर ने देखा था। मैंने कोनूर के निशानात खो दिए, लगता है जमीन खुली और उनको निकल गई। तो फिर ये खेल हम उसी तरह खेलेंगे जिस तरह उस्मान चाहता है। हम यूं जाहिर करेंगे कि हम उस्मान और बालगाय के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं, लेकिन दरअसल जाल में फंसने वाले वो दोनों होंगे। कैसे? उस्मान ने बूके को बताया कि वो मुझ पर मेरे पड़ाव की जगह हमला करेगा, मेरे सिपाहियों पर बालगाय और उसके सिपाही घात लगाकर हमला करेंगे।
बिल्कुल इस पहाड़ी के पीछे, लेकिन ये भूल है उनकी। मैं यहाँ उस्मान का इंतजार करूंगा। बालगाय कभी भी नहीं सोच सकता कि मैं उसे धोखा दे सकता हूँ। वो दोनों अपने ही जाल में फंस जाएंगे। और बोके के हाथों की नजरों में अपनी खोई हुई साख को बहाल कर लेगा। और अब उस्मान नामी इस आफत से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। वो समझता है कि शिकार हम हैं, लेकिन वो हमारा शिकार बन जाएगा। अगर मैं बतूर के खंजर से उस्मान का कलेजा निकालकर उसका सर न काट लूं और काई कबीले में उसे उल्टा न लटका दूं, तो मुझे आलीशार साहब न कहना तुम लोग। संजाक सरदार यहाँ अपनी हवेली को अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता है। वो डरपोक आलीशार जब तक सूरत हाल वाजे नहीं हो जाती वो सामने नहीं आएगा, और वो आखिर में हम दोनों को मारना चाहेगा। घात हम लोग इस तरह से लगाएंगे, जब बालगाय नौकरों के साथ उनको संभालेगा तो मैं भी कार्रवाई शुरू करूंगा। आलीशार की हरकत में आने से पहले उसकी चौकी पर मैं हमला कर दूंगा। आलीशार घात की जगह के सबसे नजदीक तरीन मकाम पर मुकीम होगा। इस जगह से हर तरफ नजर रखी जा सकती है। तो हम तीन महाजों पर लड़ेंगे। ये तीसरा महास कौन सा होगा? हम लोग बंसी साहब के साथ आलीशार की हवेली पर हमला करेंगे। हम उन्हें अपनी तलवारों का मजा चखाएंगे। आपके कहने का क्या मतलब है बंधु साहब? शेख अदाबाली के दरवेश, वो सब के सब बहुत बहादुर जंगजू हैं। लगता है तुम उस कुत्ते को सांस लेने का मौका भी नहीं दोगे। कुत्ते को कुत्ता सांस के जरिए अपना जहर छोड़े बालगाय, उसे जिंदा छोड़ना हराम है। जहां तक हवेली की बात है, वो आलीशार के लिए सब कुछ है। वो उसकी साख और उसकी शान और आराम है। उसकी हवेली की हिफाजत करने के लिए सिपाही सब कुछ करेंगे। बहुत खून बहेगा, इतना कि सोच नहीं सकते। आजादी खून ही से मिलती है। जो माफी चाहेंगे वो हमारे गजब का बिल्कुल शिकार नहीं होंगे, लेकिन जो आप पर अपनी तलवार ताने उसको जहन्नम वासल करना आपकी जिम्मेदारी है। और आप अपने हथियार को खून से रंगने का वक्त आ गया है। आप जानते हैं कि काम खत्म होने के बाद हम कहां मिलेंगे। जिसका ख्वाब हमने मुसीबतें सह कर देखा, हम जिस वक्त के इंतजार में थे आज वो शुरू होता है। हमने आबाओ अजदाद से जो इज्जत हासिल की, आज उसे हम लोग आने वाली नस्लों में मुंतकिल कर देंगे। क्योंकि बहुत दूर से हम जिहाद की खातिर यहां आए, तो इसलिए ऐसा इत्तेहाद करेंगे कि जिसका नतीजा शहादत की सूरत, जिहाद और इंसाफ की सूरत में ही निकलेगा। और फिर उसके साथ साथ एक रियासत वजूद में आएगी।
दुंदार साहब, उस्मान जिस जगह जाल बिछाएगा आप बहादुर के साथ वहां जाएंगे। मेरे सिपाही एक सरदार की हैसियत से आपके मातहत होंगे और मैं बूके के साथ उस्मान का शिकार करूंगा जिसने मेरे सदर दफ्तर पर हमला करने की कसम खाई है। पानी पानी की तरह और खून खून की तरह बहता है आलीशान साहब। उस्मान मेरा शिकार है, अभी तक उसके हाथों में मेरे बेटे बदर का खून लगा है। दुंदार साहब, मैं भी उस्मान की जान लेना चाहता हूं, लेकिन जब केहातु आएगा तो हमें उस्मान को उसके सामने जिंदा पेश करना होगा। उसने जो किया, जब तक गेहातु अपने कानों से नहीं सुन लेता, हम उसे अपने मसाइल नहीं बता सकते। अगर गेहातु ने उसे हमारे हवाले नहीं किया तो, या वो खुद उस्मान की जान ले लेता है तो मेरे इंतकाम का क्या होगा आलीशान साहब? मैं जानवर का गोश्त नोचने की कोशिश कर रहा हूँ और आप खाल के पीछे पड़े हुए हैं। जैसा कहा वैसा ही होगा, लेकिन अगर आप जिद करते हैं तो रास्ता सामने है, आप जा सकते हैं। बाबा आलीशान साहब, क्या ये बहस करने का वक्त है? मैं आपका दर्द समझता हूं दुंदार साहब, लेकिन उस्मान यहां जिंदा आए या मुर्दा, ये खंजर देखिएगा अपना काम पूरा करके रहेगा, यकीन रखिए। सही कह रहे हैं आप, सबसे अहम बात ही उसका मरना है। उस्मान की लाश को मैं जानवरों की खुराक बनते देख लूं तो मेरे लिए यही काफी है। सो गाइज, ये था हमारा रिएक्शन ऑन कुरलुस उस्मान। बहुत ज़बरदस्त सीन था ये, एंड बलगाए उस्मान, बमसी साहब, गुंदूज भाई सारे मिलके मस्त, एकदम बढ़िया मस्त फाइट करने वाले हैं। और उसके बाद ये जो हमारा आलीशार बे है, उसको सब कुछ ऑलरेडी पता है, अंतर्यामी है वो, उसको पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है। बुक्के ने गद्दारी कर दी ना, और ये बुक्के जो है भाई बलगाए का कुत्ता था, अभी उसका दुश्मन बन गया है, बगावत कर दी कुत्ते ने। ओ माई गॉड, एनी वे सो लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट सीन में। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी।